एंटीफ्यूजन ने खोजा था, क्लियर? किसने होल को खोजा था? छेद को, ब्रेक और सांतरी, क्लियर? इन तीनों ने मिलकर इसके होल को खोजा था। पूरे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो ह्यूमंस के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, सभी के लिए जो नुकसानदेह हो सकती है? SO2। जब एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ वर्क करेगी तो क्या करेगा? उसके लाइट से प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, ठीक है, क्लियर। तो पूरे एटमॉस्फेयर में अचानक से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन क्या मेसोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज? क्योंकि मेसोस्फीयर पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा है, फिर अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके पीछे रीजन रेडियो एक्टिव रिफ्लेक्शन होगा, साथ में रेडियो सावर होगा। पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन से स्फीयर में पाया जाता है? एग्जोस्फीयर। रीजन नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? इग्नियस रॉक्स। क्या प्रोसेस होगा इग्नियस रॉक्स के साथ? वेदरिंग होगा, तब आएगा आपका इग्नियस रॉक। पूरे एटमॉस्फेयर का CO2, मैक्सिमम CO2 किसके पास है? पूरे वाटर या ओशियन के पास। कितना परसेंट एब्सॉर्प्शन? 60% किसने अपना एब्जॉर्ब करके रखा है? पूरे एटमॉस्फेयर में तीन तरीके से लाइट आती है, सन की किरणें, कौन कौन से रूप में? ऊपर से ऊपर कौन चली जाती है? अल्ट्रा वायलेट चली जाती है। कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर तक इंटर करेगी? लेकिन नीचे तक कौन सा आएगा? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का कितना परसेंट लोगे? 2 मिलियन का 2 अरबवां भाग लिया जाएगा। लेते हम किस रूप में? शॉर्ट वापस छोड़ते किस रूप में? लॉन्ग वेव लेंथ में। बीच में कौन रोकता है? CO2 जब एटमॉस्फेयर के साथ वर्क करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बनिक एसिड बनाएगा। पूरे जब आपके पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन में कौन सा पॉल्यूशन है जो व्हाइट पाउडर सफेद पाउडर की तरह दिखेगा? बोलिए, आर्सेनिक दिखेगा व्हाइट पाउडर की तरह? आर्सेनिक सबसे ज्यादा कौन से रिवर में पाया जाता है? दामोदर। इसीलिए दामोदर को बंगाल का सॉरो कहा जाता है। कौन सा डिजीज होगा आर्सेनिक के से? उस डिजीज का नाम क्या? ब्लैक रोट डिजीज होगा। WHO ने कितना फ्लोराइड परसेंट पर रखा है? 1% ज्यादा फ्लोराइड पानी पीने से आपको क्या होगा? फ्लोरोसिस। मसल्स और बोन आपका इफेक्टिव हो जाएगा इसमें। दैट मींस फ्लोरोसिस जो किससे होता है? साउंड से, वाटर से, एयर पॉल्यूशन किससे? वाटर से। बेबी सिंड्रोम डिजीज किस लिए होगा? जिसको मीथेग्लोबिन भी कहते हैं। लेकिन उस वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा? नहीं, अभी एक लाइन कर, किसी ने एक वर्ड बोला था वही से नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रेट युक्त पानी पीने से हमें बेबी सिंड्रोम डिजीज होता है। पढ़ा नहीं है ढंग से? क्यों, किस लिए? डिटर्जेंट में क्या पाया जाता है? एसटीपी, सोडियम ट्राइकोली फास्फेट पाया जाता है, जो वाटर को पॉल्यूशन में डालता है। सबसे ज्यादा वाटर को पॉल्यूशन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका, मैंने बताया अभी तक क्या आया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट में औद्योगिक कचरे में क्या क्या निकलेगा? क्लोरीन और नाइट्रोजन और सल्फर। क्या पानी में किस चीज को इफेक्ट कर देंगे? पानी में किस चीज को घटा देंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
ठीक है, पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कौन सी गैस है जो आपके इनहेलेशन सांसों के माध्यम से अंदर जाएगी और जहर की तरह काम करना शुरू करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? दम घोट के देगा कौन सा, जिसे हम लोग कहते हैं सफोकेटिंग गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या है? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ठीक है, परिवहन वगैरह। सबसे ज्यादा सॉइल को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? मिट्टी। ट्रांसपोर्टेशन, तीन बार तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि परिवहन के कारण मिट्टी का सबसे ज्यादा अपरदन हो रहा है। आप डेसिबल किसका मेजरमेंट लेते हो? डेसिबल में साउंड पॉल्यूशन। डॉक्सन में किसका मेजरमेंट लिया? ओजोन लेयर को नापने, ओजोन के होल को नापने के लिए सैटेलाइट कौन सा लगा? निम्बस 7। किसे कहा जाता है पेड़ मानो, वृक्ष मानो, ट्री मैन? रिचर्ड एक्टिवार्ड बाकर को कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य क्या था? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। मॉन्ट्रियल कब हुआ था? 1987। दैट मीन सीएफसी वगैरह को बैन करने कहा था जिसकी वजह से ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 1991 के मैड्रिड संधि का मेन सब्जेक्ट क्या था? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करना इसका मेन एम था मैड्रिड का। अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करना मेन, ठीक है, यही था मैड्रिड 1991 का मेन सोर्स। पहला वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो। क्लाइमेट हुआ कि पृथ्वी बचाओ रियो डी जेनेरियो में हुआ? तो फर्स्ट, ठीक है, इंग्लिश को जाना है तो वो जा सकते हैं। चल ठीक है, पर्पस ऑफ समिट को देखना। फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आपका जेनेवा चल रहा है और जेनेवा कब हुआ है? 1979 में हुआ है, ठीक है। कभी ये बात कहा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को 2005 तक जो है वो आप रिड्यूस कर लो 20% तक। टोरंटो कब हुआ? 1988। ग्लोबल 500 अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ग्लोबल 500 अवार्ड हाँ उसी के लिए दिया जाता है, एनवायरमेंट के लिए दिया जाता है। आईईईपी कब लाया गया? एनवायरमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम 1975। किस लिए? एनवायरमेंट के लिए, लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए में लाया गया था आईईईपी। क्लियर? एजेंडा 21 किस ईयर में आया? रियो समिट। किस ईयर में? 1992 में आया था। पॉल्यूशन को याद करना जरूरी है, सीओ का बढ़ना। नहीं पहले वो ले आऊं, अर्थक्वेक ले आऊं जरा।